नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है। रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के लिए ट्रायल में छूट मिली है, यानी अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों का ही सीधे एशियन गेम्स में जाना तय हो गया है। बताया ये जा रहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने नए नियम बनाए। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट देने से कई और पहलवान नाराज हो गए। पहलवान कमेटी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बजरंग विनेश को मिली छूट से नाखुश पहलवान कह रहे हैं कि बजरंग और विनेश तो इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे जबकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहलवान अंतिम पंगाल ने भी कमेटी के फैसले का विरोध किया। ट्रायल तो ले लेंगे लेकिन जाएगा नहीं, फिर फायदा क्या हुआ ट्रायल लेने का? तो इसलिए हम बोल रहे हैं भाई 53 किलोमीटर ट्रायल लो, जो फर्स्ट आए वही जाए। अभी हम केस भी करेंगे, अभी धरने पे बैठे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जब तक ये रहे हम 22 तारीख तक पक्का केस जीते और धरने पे बैठने से हमें फायदा मिले और हमें बहुत अच्छा वो लगेगा अगर हमारा साथ देंगे। तो हम चाहते हैं हमारे सभी देशवासी जैसे उनका साथ दिया था हमारा भी साथ दे। मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, पहले भी मेरी विनेश जी के साथ 3-3 से बाउट हुई थी, उस वक्त भी मेरे साथ चीटिंग हुई थी। तब मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगले साल एशियन गेम्स होंगे मैं उनमें अच्छा करूंगी। और मेरा पिछले साल अंडर 20 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी। हम भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे जैसे और हजारों लड़कियाँ जो ऐसे तैयारी कर रही है। मैं नहीं बोल रही मेरे साथ ही विनेश दी के बाउट हो, और भी लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ जो उन्हें हरा सकती है क्योंकि वो एक साल से इंजरी में है और फिर भी उन्हें भेजा जा रहा है। मैं तो यही कहूंगी ये जूनियर बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं चाहती हूँ और भी लड़कियाँ आवाज उठाएं, जो मेरे जैसी है वो आवाज उठाएं। मैं उठा रही हूँ, कल वो भी उठाएंगी। धरना चल रहा था, अब धरने में थे वो एक साल से ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कुछ, और हम यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे अगर हमारा फेवर करो किसी चीज में, अगर बेनिफिट दो, अगर फाइनल लड़ाओ हमें, सेमीफाइनल कुश्ती लड़ाओ, या हम तो ये चाहते हैं ट्रायल लो हमारी। ट्रायल तो पिछली बार भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल हुई थी उसमें भी बजरंग पूनिया को सीधा सेमीफाइनल खिलाया गया था और हम शुरू से लेकर कुश्ती लड़ी थी, हमने 5-5 कुश्तियाँ लड़ी थी, फिर फाइनल हुआ था। तो इसके लिए हमें ना, नहीं तो ये ट्रायल कम से कम ट्रायल तो ना, इसके लिए कोर्ट में जाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ेगी। मैं पिछली बार का जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ और सीनियर इस साल का सीनियर नेशनल चैंपियन। पिछले साल मेरे जूनियर एशिया में गोल्ड था और अंडर 23 एशिया में भी गोल्ड था और वर्ल्ड रैंकिंग थी जो सीनियर की उसमें भी मेरा गोल्ड था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बजरंग पहलवान को बगैर ट्रायल के बार पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया था। जिस यूएसए वाले पहलवान से बजरंग पहलवान आ रहे थे 10-0 से, उनको मैंने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में 8-2 से हराया था। हमारा भी सपना है ओलंपिक चैंपियन बनने का, लेकिन इन पहलवानों को ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री मिलती रही तो फिर हम अपने सपने कैसे पूरे कर पाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बार बार हमने ये मांग की थी कि ये जो फेडरेशन के अध्यक्ष बने बैठे थे सांसद साहब बीजेपी के, इनको हटा करके प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से हमारे फेडरेशन में भी वो चेंजेस होने चाहिए और उन नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। तो दो तरफ की बयानबाजी भी देखें पहलवानों में भी, तो दोनों तरफ के लोग एक बात पे तो सहमत है कि जो कुश्ती संघ है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है, तो कम से कम उसको दुरुस्त कर किया जाना चाहिए। उन लोगों को जो उनके सरपरस्त बने बैठे हैं उनको हटा के, जिससे सरकार आमादा है कि हम नहीं हटाएंगे, उनको हटा करके उन चीज़ों को दुरुस्त करके आगे बढ़ा जा सकता है, नॉर्म्स को ठीक किया जा सकता है। और मुझे लगता है अब हम इंटरनेशनली कॉम्पीट करते हैं तो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, बाकी फेडरेशन जो दूसरे देशों का। अभी ना हाल ही में एशियन गेम होने हैं तो उनको लेकर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में छूट दी गई। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जो है धरने पर बैठे थे उन्हें इसलिए छूट दी। क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, ये तो देखो अब रेसलिंग फेडरेशन ने तय करना है और IOA के अंदर अगर इस तरह की कोई बात रखने का पक्ष मिलेगा तो। बाकी मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर कोई ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए और फेडरेशन जो फैसले करे उसको। नहीं, पहले से भी खिलाड़ी विरोध कर रहे थे, जैसे अब खुल के सामने आए हैं खिलाड़ी, और खिलाड़ी है वो ये कह रहे कि इन्हें हर चीज़ में छूट दी जा रही है, तो ऐसे में दूसरे खिलाड़ी को तो चलो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कहीं और आए इस तरह का कोई मुद्दा है तो मैं खुद IOA का मेंबर हूँ।
को ये देखना है। दुख की बात ये है कि जो फेडरेशन का काम था उसको ख़राब किया गया इतने समय से, जो जब ये बच्चे वहाँ पर बैठे थे तब इनको इंसाफ दिलाने के बाद की बजाय जिस तरह से रोड़े अटकाए गए और जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया गया, उस समय इनको इंसाफ दिलाने की बात होनी चाहिए। बाकी अब मैं इस चीज़ पर टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन इन बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको भी दुनिया देख रही है। देखिए, ये तो फैसला फेडरेशन का रहता है और वो देखना चाहिए, जूनियर पहलवान की तरफ भी देखना चाहिए फेडरेशन ने, और जो हमारे सीनियर पहलवान उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं हम, ठीक है, उनका भी हक बनता है, लेकिन इसमें फेडरेशन ने फैसला लेना है, जो भी फैसला लेगी फेडरेशन लेगी इसमें। योगेश्वर तो वो तो सीनियर ओलंपियन है, ओलंपिक पदक विजेता हैं, उन्होंने भी विरोध किया है इस फैसले का। वो देखिए, योगेश्वर दत्त की तो बात अलग हो जाती है क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे। देखिए, वो वही बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसमें इंडिविजुअल कोई ऐसी बात नहीं कह सकता क्योंकि ये फैसला फेडरेशन ही लेता है और उसको अख्तियार है इस बात का।